आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लगातार इस पर काम किया जा रहा है और कई जगहों पर आप देख रहे होंगे कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है ब्यूटिफिकेशन मॉडिफिकेशन का काम जो है किया जाता है। इस समय मैं केसी चौक में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाऊंगी किस तरह से। आपने शुरुआत में ही देखा कि बड़े बड़े अक्षरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिखा गया था और स्मार्ट सिटी लिखा गया था बड़े बड़े शब्दों में, और वहीं पर अगर मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊं तो आप साफ तौर से देखेंगे कि किस तरह से जगह जगह पर गड्ढे यहाँ पर आपको नजर आएंगे और सड़क की किस तरह की खस्ता हालत है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो गुजरती हैं उन्हें शायद एहसास नहीं होता या महसूस नहीं होता है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी बड़ी मेटाडोर्स की बात की जाए या बसेस की बात की जाए तो वो जब इस रास्ते पे चलते हैं तो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑटो हो चाहे बस हो चाहे मेटाडोर हो उनकी किस तरह की हालत होती है, किस तरह से जो मेटाडोर में सवारियां बैठी होती है वो किस तरह से उछलते हुए आगे निकलती है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये झूला ही होगा। वहीं पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर लगातार बात हो रही है, लगातार काम करने की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बस किस तरह से यहाँ से गुजर रही है, तो मेटाडोर स्टॉप ही यहाँ पर है बंतलाब के लिए, जो गाड़ियाँ जाती हैं मेटाडोर्स जाती हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेटाडोर जो है झूलते हुए आगे गुजर रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर रोड ठीक करने के बजाय जो है मिट्टी का उपयोग जो है वो किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर मिट्टी का उपयोग किया गया, खड्डों को भरने के लिए जो है इस तरह से उपयोग में जो है चीज़ें वो लाई जा रही हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात तो की जाती है, अच्छा है, लोगों को भी खुशी होती है कि नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जम्मू को मॉडिफाई ब्यूटीफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो इस केसी चौक में आपने देखा कि किस तरह से हमारा जो जम्मू है मॉडिफाई हो रहा है, हमारी सड़कें जो है मॉडिफाई हो रही है। इसके कुछ ही दूरी पे आपको बता दें डोगरा चौक भी आता है, बस स्टैंड यहाँ से आता है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए केसी चौक की और इसी कुछ ही दूरी पर यहाँ से सेक्रेट का रास्ता भी जाता है और बड़े बड़े VIPs जो है इस रास्ते से ज़रूर गुजरते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियाँ जो है वो बड़ी बड़ी होती हैं इसलिए उन्हें महसूस नहीं होता है कि सड़क की किस तरह की खस्ता हालत है। यहाँ पर आज हम आपको केसी चौक ले आए थे, हमने दिखाया कि लोगों को आखिरकार किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेटाडोर्स की बात की जाए तो किस तरह से झूलते हैं वो आगे बढ़ती है, वहीं पर अगर दो पहिया वाहन चालक हो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है, और जब अंधेरा हो जाता है तो कभी कभार यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं करती, जिसके चलते कई बार यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन इस तरह के हादसे जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं उनके लिए तो ज़्यादा ये महसूस नहीं होता होगा उनको कि किस तरह के यहाँ पर सड़क की हालात है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो मेटाडोर चलाते हैं जो बस चलाते हैं उनकी गाड़ी पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, गाड़ी पे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है और जो सवारियाँ हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो है पड़ता होगा। और देर रात की बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं होती है, उसके चलते जो है कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, और इस तरह के हादसे जो है वो बार बार ना हो उसको लेकर तो बार बार जो लोग यहाँ पे परेशान हैं वो भी सरकार से अपील कर करके थक चुके हैं। अब हमारे माध्यम से वो प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को चेताने की कोशिश करें और साथ ही साथ सरकार कहीं ना कहीं उनकी बात सुने, और जिस तरह से जो बड़े बड़े अक्षरों में अगर लिखा जाता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या स्मार्ट सिटी लिमिटेड सिटी, तो उस जगह पर जो है स्मार्ट सिटी जैसा कुछ ना कुछ तो जो है होना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन पे काम चल रहा है, अच्छा है, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, अच्छा है, हमारे जम्मू की मॉडिफिकेशन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने काम पेंडिंग है उनमें भी जल्द से जल्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करवाना चाहिए। अगले बड़े को फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहे यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।